बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने दूसरे हरफ का दूसरे सबक का आगाज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हम अलिफ जो है वो इस तरह से लिखते हैं, अलिफ से के साथ बे मिला दिया तो बन गया अब, और अलमद्दा आ के साथ पे लगा दे तो बन जाता है आप, और अलिफ मदा आ के साथ जीम लगाएं तो बन जाता है आज, और अगर जैसे हमने कल भी देखा था कि बे अलिफ बा बाबा, अगर हम पे अलिफ पा बनाएं जैसे पाकिस्तान पे अलिफ पा से शुरू होता है, अगर इसके ऊपर अल्फ मद्दा आ लगा दें तो ये बन जाता है आपा, और अगर हम अल मद्दा आ लगाएं और इसके साथ टे अलिफ टा लगा दें तो ये बन जाता है आटा। आटा जो है इससे रोटी बनती है, आटा जो है वो गंदम को पीस के बनाते हैं, आटे से केक, मैदा सूजी बनता है, सूजी से हलवा बनता है, आटे से रोटी बनती है। तो आपा जो है बड़ी बहन को आपा कहते हैं, और अगर हम अलिफ मद्दा आ बनाएं और इसके साथ ते अलफ ता बनाएं तो ये बन जाता है आता। हम अक्सर कहते हैं मैं आता हूँ, तो आता, तो इसका आज देखें हमने सीखा कि दो शक्लें हैं, एक जो है वो छोटी शक्ल है और एक पूरी शक्ल है। तो जब मिलके लगती है तो छोटी बनती है, और जब आखिर में आती है तो बड़ी शक्ल रहती है। जैसे अगर बल्ब लिखें तो बल्ब, तो इसमें आधी शक्ल भी है बे की और पूरी शक्ल भी है बे की।